सावन की चौथी सोमवारी पर कोडरमा में शिव भक्तों का जनसैलाब उमड़ा। पिछले 25 सालों से कोडरमा में सावन की अंतिम सोमवारी को कांवर पद यात्रा का आयोजन किया जाता रहा है और इस कांवर पद यात्रा में बिहार, झारखंड व बंगाल से हजारों की संख्या में शिव भक्त शामिल हुए। कांवर पद यात्रा में विधायक डॉक्टर नीरा यादव भी शामिल हुई। शिव भक्त झुमरी तेलैया के झरना कुंड से शिव भक्त पवित्र जल का उठाव कर 11 किलोमीटर की पद यात्रा के बाद कोडरमा के ध्वजाधारी पहाड़ पहुंचे, जहां शिव भक्त 777 सीढ़ी चढ़कर ध्वजाधारी पहाड़ की चोटी पर बसे भगवान शिव का जलाभिषेक किया। कोडरमा में आयोजित होने वाले कांवर पद यात्रा को लेकर जिला प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पद यात्रा वाले रूट पर जगह जगह सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, साथ ही शिव भक्तों को किसी तरह की परेशानी न हो इसके लिए एम्बुलेंस व मेडिकल टीम को तैनात किया गया है। वहीं विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से रास्ते में श्रद्धालुओं के लिए नींबू पानी व शरबत की व्यवस्था की गई है। ऐसी मान्यता है कि सावन की चौथी सोमवारी को जो भी शिव भक्त इस कांवर पद यात्रा में शामिल होते हैं और 777 सीढ़ी चढ़कर बाबा भोले को जलार्पण करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने सभी लोगों को कांवर पद यात्रा की बधाई और शुभकामना देते हुए जिले की सुख समृद्धि की कामना की। वहीं शिव भक्तों ने पद यात्रा को लेकर अपने अनुभव को साझा किया। झारखंड ब्यूरो आकाश शर्मा की देखे खास रिपोर्ट। यहाँ के प्रति 25 साल से लोग यहाँ आना स्टार्ट कर दिए हैं और धीरे धीरे काफी संख्या बढ़ती जा रही है। झारखंड से, बिहार से और बंगाल से भी लोग आते हैं और जितने भी लोग एक दिन पहले आते हैं हमारे समिति की ओर से और हमारे ग्राम कीर्तन मंडल की ओर से खाना का व्यवस्था, रहने की व्यवस्था मुहैया कराई जाती है। यहाँ सुबह 3 बजे से स्टार्ट हो जाती है, आते हैं यहाँ स्नान करते हैं और यहाँ से चल लेकर कोरोना के लिए जाते हैं और जलाभिषेक करते हैं ध्वजाधारी में। कुंड से ये पवित्र धाम से उत्तर वाहिनी है, यहाँ से लोग जल लेकर के और ध्वजाधारी पहाड़ तक जाने का काम करते हैं। सभी को हम इस कांवर यात्रा की ढेर सारी शुभकामना, बहुत बधाई देते हैं। श्रद्धा है और हम हर वर्ष यहाँ जल उठा करके जाते हैं और सबसे बड़ी बात कि अभी युवाओं में एक गजब का जोश है। बच्चे आज इस कांवर यात्रा में इतने उत्साह के साथ समर्पित भावना से जल उठा करके कांवर यात्रा में शामिल हुए हैं, तो हम कहना चाहेंगे हर एक माताओं, बहनों को, भाई बहनों को कि जिस प्रकार सनातन धर्म की रक्षा के लिए आप बच्चों को भारतीय संस्कृति दे रहे हैं, अपना जो संस्कार है उसे देने का काम कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी संपत्ति है और इसे जरूर दे बच्चों को ताकि आने वाले दिन में भी ये सनातन धर्म के जो कांवर यात्रा जो बड़ी शुद्धता पवित्रता के साथ होती है, इसमें सभी संयमित होकर के पूरी भक्तिभाव से इस कांवर यात्रा में एक दूसरे को सहयोग करें और चले। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, पूरे रास्ते में यहाँ छतरापुर में भी आप देख रहे हैं हर प्रकार की सुविधा है और जो भी कमी बेची है धीरे धीरे करके एक एक करके सारी व्यवस्थाएं दूर करते जा रहे हैं और हम विश्वास दिलाते हैं भोलेनाथ का आशीर्वाद सभी को बना रहे, सुख शांति के साथ कोडरमा आगे बढ़े। आप लोगों को भी आज कांवर यात्रा की ढेर सारी शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। कौन धाम से हम लोग जल उठा करके यहाँ से कोडरमा ध्वजाधारी धाम पर जाएंगे और 777 सीढ़ी जो है वहाँ पर बहुत कठिनाइयों के साथ पार करते हुए ऊपर हम लोग पहाड़ पर इस जल को चढ़ाएंगे और बाबा भोले से अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए इस जल को वहाँ समर्पित करेंगे और सभी के लिए सुख एवं समृद्धि की कामना करेंगे। सभी लोग सुख शांति समृद्धि से रहें और जो भी उनकी मनोकामना हो पूर्ण हो, सारे समाज का कल्याण हो और हमारे बाबा भोलेदानी जो है सबको दान करने वाले हैं, भोलेदानी सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं, इसलिए प्रत्येक वर्ष की बात है इस वर्ष भी मैं यहाँ पर जनाकुंड धाम आया हूँ और यहाँ से जल लेकर कोडरमा ध्वजाधारी धाम जाऊँगा। मेरा नाम प्रवीण कुमार सिंह हुआ और करीब 20 वर्षों से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। राधे राधे, मेरा नाम कुसुम साहू और मैं लगातार पैदल यात्रा अयोध्या पे की थी कोडरमा से और कुछ दिन पहले ही झरना कुंड झुमरी तिलैया से देवघर का कांवर लेके मैं पैदल यात्रा की। आज चौथा सोमवारी को मैं झरना कुंड से ध्वजाधारी के लिए निकल रही हूँ पूरे 41 लीटर जल लेके, जितना मेरा वजन उतना मेरा जल। भगवान भोले के प्रति ठाकुर जी को भी मिलाने जा रहे हैं और इतनी आस्था है, शक्ति दी है कि 41
40 लीटर जल लेके जाएंगे। हम गौ माता के लिए ये कार्य कर रहे हैं बस। 365 दिन आपके साथ, अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।